केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में गृह प्रवेश किया। अमेठी से पहली बार जब स्मृति चुनाव लड़ने पहुंची थी तब उन्होंने घर बनाने का वादा किया था और आज अमेठी से किया वादा पूरा कर दिया स्मृति ईरानी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सिर पर कलश लेकर पूजा के लिए जा रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की अमेठी की हैं, जहां हवन पूजन के साथ स्मृति ईरानी ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। उज्जैन से आए पुरोहितों ने गृह प्रवेश की पूजा कराई। पति जुबिन ईरानी के साथ स्मृति ने पूजा पाठ की परंपरा निभाई। इस मौके पर स्थानीय अफसर सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ही मेदन मवाई गाँव पड़ता है, जहाँ 11 बिस्वा जमीन पर स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार हुआ। ये साल 2021 की तस्वीर है, तब स्मृति को अमेठी का सांसद बने 2 साल हुए थे। 2021 में उन्होंने जमीन खरीदी, ये जमीन की रजिस्ट्री के दिन की तस्वीर है। असल में स्मृति ईरानी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ये वादा किया था कि जीतने के बाद वो यहीं की होकर रह जाएंगी। हालांकि उस चुनाव में स्मृति ईरानी हार गई, लेकिन अमेठी से रिश्ता लगातार बनाए रखा। नतीजा हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार से उन्होंने ये महत्वपूर्ण सीट छीन ली। अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले स्मृति ने घर बनाकर अमेठी से अपना वादा पूरा किया है। अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता साल 1980 में जुड़ा था, तब पहली बार संजय गांधी इस सीट से सांसद बने थे। उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अमेठी में परिवार की विरासत को संभाला। लेकिन 2014 के चुनाव में राहुल गांधी और स्मृति का मुकाबला हुआ, तब राहुल गांधी जीत गए। फिर 2019 में चुनाव हुआ तो राहुल गांधी को अमेठी में स्मृति ईरानी ने हराकर बीजेपी का झंडा लहरा दिया। इस बार गठबंधन में अमेठी सीट कांग्रेस के खाते में गई है। हालांकि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और, ये अभी साफ नहीं, लेकिन बीजेपी से स्मृति ईरानी फिर से मैदान में उतरेंगी ये तय है। फिलहाल गृह प्रवेश करके स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपना बना लिया है। चुनाव में क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। 2019 में स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे, राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले। 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई थी। उस चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ ही केरल की वायनाड सीट से भी मैदान में थे। अमेठी भले ही राहुल हार गए, लेकिन वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंच गए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।